ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जब नरेंद्र मोदी का काफिला जा रहा था तो हर जगह हमारे संवाददाताओं की टीम थी, उनके ठीक पीछे हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप थी। गाड़ी में जा रही थी, ओपन जीप थी और उनके बगल में बैठी हुई थी मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने अपनी सीट जीती है, अजय माकन को हराया है। और वो क्या कह रही थी आप ध्यान से सुने। हम मौजूद है एयरपोर्ट पर और यहीं से नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है। जबरदस्त जोश, जन समर्थन, जननायक बन गए क्या नरेंद्र मोदी? जननायक थे इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं, और बने नहीं, पहले से थे और इसलिए ये जो स्टेज उनको मिला है वो जननायक होने के कारण मिला है। मीनाक्षी लेखी जी जीत कर आई हैं दिल्ली से, और अब दिल्ली में जो क्लीन स्वीप हुआ है उस पर नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई तो क्या कहा? मेरी मुलाकात हो ही नहीं पाई क्योंकि इतनी भीड़ था और उस सैलाब में मैं अपने आप को दूर रखते हुए एक गाड़ी में जाकर बैठ गई थी कि जब ये सब खत्म होगा सिलसिला तब मैं आगे जाऊंगी, और उस सब के बीच में पास लेकर अंदर जाना और वो सब कुछ भी कहीं ना कहीं नामुमकिन सा दिखा। बिल्कुल, तो अब अपने ही सांसद इस भीड़ में खो जाएंगे? नहीं, पर ये भीड़ और ये जन सैलाब ऐसा है जो कि भारत के प्रधानमंत्री के प्रति है, और बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों में इतना उत्साह है और उस उत्साह पर, उनकी आस्था पर हम लोग खरे उतरेंगे। आपको लग रहा है कि जिस तरह से उम्मीदें जगाई हैं, जादू की छड़ी ऐसे कोई वो निकालेंगे और अच्छे दिन आ जाएंगे लोग झलक पाने के लिए, और कहते हैं झलक से ही अच्छे दिन आ जाएंगे? देखिए, एक विश्वास जो जनता का उन्होंने जीता है, और उसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ जो बहुत लोगों ने उस विषय पर ना सोचा है ना बात की है, वो ये कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि टारगेट लेके चलते हैं। 272 प्लस का टारगेट लेके चले और 283 उन्होंने पहुंचाया, तो टारगेट लिया और उसको पूरा। शुक्रिया मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि जननायक तो वो बन गए और इसीलिए ये जनादेश उन्हें मिला है। अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक।